Hello and welcome everyone to our channel Z2i Tutorials. For those who are new, I am Salman Ahmed and I did my M.Tech from IIT Dhanbad and I have more than 6 years of experience. So today is our third lecture of number system of class 9th. Last class mein humne discuss kiya tha rational numbers ke bare mein, uska representation on the number line. Aaj ek class mein hum log discuss karenge ki jitne bhi real numbers hain उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा. आइदर इट विल बी अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, आइदर इट विल बी अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. तो रियल नंबर्स का हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है. अब वो रियल नंबर रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है. हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ होगा रियल नंबर और हमें बताना होगा कि वो कौन सा रियल नंबर है, रेशनल और इरेशनल. तो इसके लिए सबसे पहला अच्छा क्वेश्चन हमारा है दैट कि हमें क्वेश्चन हमारा पहला है कि एक्सप्रेस 10/3 इन डेसिमल फॉर्म. 10/3 को हमें बताना है डेसिमल फॉर्म में और वो कैसा रियल नंबर है. ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली दिस क्वेश्चन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहता है कि 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन कीजिए तो सेम क्वेश्चन है. तो क्या करेंगे हम लोग, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितने आएगा 9, 1 डेसिमल 0. ये क्या होगा कि ये बार बार रिपीट करता हुआ ये जा रहा है. जितने बार हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर मेरा 1 आ जा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है रिमाइंडर 1. और मैंने बताया था कि कभी भी किसी भी डेसिमल में अगर डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट्स रिपीट करता है तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, दैट इज रिकरिंग डेसिमल नंबर. तो हमें यहाँ से मालूम चल गया दैट 10/3 की वैल्यू आएगी 3.333 एंड डॉट डॉट. ठीक है, दैट मीन्स दिस रियल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट हो रहा है बिकॉज इट गोज टू इन्फिनिटी और रिपीट करता हुआ जा रहा है. तो एक बात और है कि जो डिजिट रिपीट करते हैं डिजिट या डिजिट्स उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा 3.3 बार. जो डिजिट यहाँ पर 3 सिर्फ रिपीट कर रहा है इसलिए मैंने 3 के ऊपर बार लगा दिया. अच्छा, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, इट इज अ नॉट इट इज अ रिकरिंग डेसिमल नंबर. ये कैसा डेसिमल नंबर है, रिकरिंग डेसिमल नंबर है. देयरफॉर रिकरिंग किस में आता है, मैंने बताया था कि रिकरिंग जो है वो रेशनल नंबर में आता है. देयरफॉर 10/3 इज अ रेशनल नंबर. बस में हमें यही करना है, जो भी रेशनल नंबर जो भी रियल नंबर दिया होगा उसको डिवाइड करके पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे उसका, उसके बाद देखेंगे कि वो रेशनल कैसा है, वो रियल नंबर कैसा है, रेशनल है या फिर इरेशनल नंबर है. तो इसके लिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि एक्सप्रेस 7/8 इन डेसिमल फॉर्म. 7/8 को हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है या डेसिमल फॉर्म में करना है. तो क्या करेंगे हम लोग, 7 को 8 से डिवाइड करेंगे. फर्स्ट टाइम ये 7 8 से डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल लेकर हम लोग यहाँ पर 0 रख लेंगे. अब क्या होगा, 8 8 जा 64, हाउ मच 6, अगेन 0, 8 7 जा 56, 4, देन 8 5 जा 40. तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जो हमारा क्वेश्चन आया, जो हमारा आंसर, पहली बात तो रिमाइंडर 0 आ गया. रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब कि हमारा जो 7/8 की वैल्यू है वो टर्मिनेट कर गई 0.875. 7/8 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0.875. ये टर्मिनेट कर गया तो हम कह सकते हैं दैट इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्या आया था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दैट इज रिकरिंग डेसिमल नंबर था और यहाँ पर क्या आ गया हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ गया. और हमें पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होता है वो भी रेशनल नंबर होता है. तो देयरफॉर 7/8 इज अ रेशनल नंबर.
तो 7/8 भी क्या होगा, वो हमारा रेशनल नंबर होगा बिकॉज इट टर्मिनेट्स। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एक्सप्रेस 22/7 इन डेसिमल फॉर्म। 22/7 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है। ये सबको पता है कि ये पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, 22/7 जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, लेकिन इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। यहाँ देख लेते कैसे हम लोग क्या करेंगे, 22 को 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, 7 3 21, देन 1.0, 7 1 7, 10 - 7, 3 अगेन, 7 4 28, 2 अगेन 0, 7 2 14, 6, ये इस तरीके से जाता जाएगा। जितने बार डिवाइड करेंगे ये क्या हो रहा है कि ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही इसका ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही जो है ये रिपीट कर रहा होगा। तो हम कह सकते हैं दैट 22/7 इज इक्वल टू 3.142 एंड सो ऑन। और भी आगे डिवाइड करके देख सकते हो, ये नंबर जो होगा डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और जब भी कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, वो जो रियल नंबर होता है वो कैसा होता है, वो होता है व्हाट, वो होता है इरेशनल नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं दैट 3.142 डॉट डॉट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, और यू कैन से 22/7 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो 22/7 है ये रेशनल नंबर है बिकॉज ये P/Q फॉर्म में बन रहा है, लेकिन इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इरेशनल नंबर हमारा है, बिकॉज उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो डेसिमल के बाद वो नॉन टर्मिनेट है, दैट मीन इट गोज टू इन्फिनिटी विदाउट रिपीटिंग, रिपीट नहीं करता है, रिपीट नहीं कर रहा है और वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो इरेशनल नंबर होगी, लेकिन 22/7 जो है वो रेशनल नंबर हमारा होगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। 1/7 का हमको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। फर्दर क्वेश्चन क्या है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। अब बात यह है कि आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब इन सब की वैल्यू जो 2/7 से लेकर 6/7 तक की वैल्यू है उसे हमें बिना एक्चुअल डिवीजन के हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम 1/7 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा, 4 से करेंगे ये आ जाएगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा क्या, क्या पड़ेगा कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें फाइंड करना होगा। कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 को 7 से, क्या आएगा, सबसे पहली बात डेसिमल देना पड़ेगा, ये यहाँ क्या आएगा 0, कितना आएगा 7 1 7, 10 - 7, 3, देन अगेन 0, 7 1 4, 28, हाउ मच 2, देन अगेन 0, 7 2 14, देन 6, देन अगेन 0, 7 8 56, देन 4, देन अगेन 0, 7 5 35, देन अगेन 0, देन 7 7, इसको यहाँ लिखते हैं 49, देन 1, देन अगेन 0। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 1 से फिर वही 1 आ गया, इसका मतलब फिर से ये सारी चीज़ें रिपीट होने वाली हैं। जैसे अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए, 7 1 7, 10 - 7, 3, फिर 0, फिर 7 4 28, फिर 2, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि 1 4 2 8 5 7 के बाद ये नंबर हमारा फिर से रिपीट करेगा, बिकॉज जहाँ स्टार्ट किए थे 1 से
वही वन हमारा यहाँ दोबारा आ गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट 1/7 की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, 0.142857। इसके बाद नंबर जो है मेरा वो रिपीट करेगा। तो रिपीट करने का मतलब कौन रिपीट कर रहा है, फिर से अगेन 142857, फिर होगा 142857। इसका मतलब इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा नंबर हुआ, ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दैट इज रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर 1/7 इज अ रेशनल नंबर। नाउ हमसे कहा गया था कि हमें ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन करना है, वो हमने कर लिया जो कि रिकरिंग डेसिमल नंबर आया, ठीक है। एक बात याद रखना कि अगर डिवाइड कर रहे हो जहाँ से स्टार्ट किया, अगर फिर वही नंबर अगर आ जाता है तो इसका मतलब वो रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि दैट कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस डेसिस। तो 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, 2 × 1/7 है कि नहीं है, 2 × 1/7 करेंगे सेम आएगा। दैट मीन्स 1/7 की वैल्यू में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा बेसिकली 2 × 1/7 की वैल्यू। तो इस 1/7 की वैल्यू ये है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 0.142857, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिंपली हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 2 × 7 होगा। हमने क्या किया, इस वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये नंबर बार बार जो रिपीट कर रहा है, तो जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डबल ही आएगा ना सीधा, क्योंकि ये नंबर तो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग तो है नहीं कि पता नहीं क्या आएगा, इतना नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो अगर इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब क्या है 3/7, तो 3/7 कैसे आएगा, 3 × 1/7। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 × 0.142857 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगेन क्या जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0.4842857 का बार, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। अब क्या निकालना है, 4/7, फिर इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 5/7, इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो हमारा आंसर जो है वो आता जाएगा। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज दैट वी हैव टू एक्सप्रेस द डेसिमल नंबर इन द रेशनल डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर p/q। अब हमें करना क्या है कि हमें डेसिमल नंबर दिया होगा और अगर वो रेशनल नंबर है तो उसे हमें p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। जब रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, तब उसे हम p/q फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मतलब सिंपलेस्ट रेशनल नंबर के फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा। उसके लिए हमारा पहला क्वेश्चन है दैट एक्सप्रेस 0.3 बार। 3 बार मीन्स दैट 3 इज रिपीटिंग एंड गोज टू इन्फिनिटी, 0.33333 एंड गोज टू इन्फिनिटी, उसे हमें p/q फॉर्म में लिखना है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे है वो अच्छे से समझ लो। हम क्या करेंगे, जिसे एक्सप्रेस करना है सबसे पहले उसे हम एज्यूम कर लेंगे, लेट से x, लेट x इक्वल टू 0.3 बार, ओके। देन क्या करेंगे हम, देन उसे हम ओपन कर लेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे 0.33333 ... इस इक्वेशन को हम लोग लेट से एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ लो अच्छे से। कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी डिजिट या डिजिट्स, जितने डिजिट रिपीट करते हैं उतने जीरो से इस एक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डिजिट रिपीट करेगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट कर रहा होगा डेसिमल के बाद तो 100 से, 3 कर रहा होगा 1000 से, जितने भी डिजिट्स रिपीट करेंगे उतने जीरो से हम इक्वेशन नंबर 1 दैट इज एक्स में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारा एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, दैट इज ओनली 3 इज रिपीटिंग। सो वॉट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 by 10, बिकॉज ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस 1 डिजिट इज रिपीटिंग, सो वी मल्टीप्लाई x by 10।
ठीक है, x का मतलब पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन में क्या करेंगे, 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, एक डिजिट रिपीट कर रहा है इसलिए एक जीरो, दैट इज 10। तो क्या बन जाएगा ये इक्वेशन नंबर वन, 10x इक्वल टू, अब LHS में अगर 10 से मल्टीप्लाई हुआ है तो RHS में मल्टीप्लाई होगा 10 से, 0.333 है। अब अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल क्या होगा, एक डिजिट राइट मूव कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3.3333। और ऐसा नहीं है कि एक 3 इधर आ गया तो एक यहाँ, तो एक 3 कम हो गया, ये इनफाइनाइट वैल्यू है और इनफाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, वो कितने टाइम्स भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब जो इक्वेशन आया मेरा उसे हम इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं। हमें निकालना है क्या, एट लास्ट हमें एट लास्ट x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x क्या है, 0.3 का बार x की वैल्यू निकालनी है, बट इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब p/q फॉर्म में निकालने के लिए हमें कुछ डिवीजन करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर वन को इक्वेशन नंबर टू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा बताता हूं मैं अभी, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू। वन को टू सब्ट्रैक्ट क्यों किए, बिकॉज टू इज ग्रेटर, 10x इज ग्रेटर देन x, इसलिए हमने वन को टू से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स हाउ मच, 9x। अब RHS में आते हैं, हमें पता है कि डेसिमल के पहले वाले को डेसिमल के पहले वाले से ट्रैक कर लो, 3-0 कितना आएगा, डेसिमल के पहले वाला इंटीजर पार्ट, 3-0 इज 3, डेसिमल के बाद ये सब 3 है, और यहाँ भी डेसिमल के बाद ये सब 3 है, पूरे 3 माइनस पूरे 3 करोगे तो वो कट के 0 हो जाएगा, दैट मीन डेसिमल के बाद हर एक डिजिट जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जा रहा है। तो मेरे पास डेसिमल के बाद कुछ बचा ही नहीं, डेसिमल के बाद क्या बचा है, 0.0, है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 3 हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि 9x इक्वल टू, जब 3 आ गया मेरा तो x की वैल्यू क्या होगी, 3/9, दैट इज 1/3। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1/3, और x क्या थी मेरी, 0.3 बार। तो इसका मतलब देयरफोर 0.3 बार की वैल्यू मेरी आ गई 1/3। तो हमने जो मेरा रिकरिंग डेसिमल नंबर था उसे हम p/q फॉर्म में लिख लिया। अब तुम अगर इसे डिवाइड करोगे तो मेरी यही वैल्यू आएगी, अगर 1 को 3 से डिवाइड करोगे, 1/3 सॉल्व करोगे तो 0.333 ही आएगा। तो हमने रिकरिंग डेसिमल नंबर को p/q फॉर्म में कर लिया, बिकॉज रिकरिंग डेसिमल नंबर इज नथिंग बट रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो वो p/q फॉर्म में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट जो है इस तरह के क्वेश्चन में सेम लगेगा, पहले अज्यूम करते हैं x, उसके बाद जितना डिजिट रिपीट करता है उतने जीरो से मल्टीप्लाई करके उस इक्वेशन को सेकंड से माइनस कर देंगे, और वो हमारा वो सिंपल बन जाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एक्सप्रेस 0.57 बार इन p/q फॉर्म, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अब क्या है यहाँ पर कि लास्ट क्वेश्चन में हमारा एक डिजिट के ऊपर बार था, यहाँ पर दो डिजिट के बार है, बाकी क्वेश्चन सारा सेम है, बस यहाँ पर दो डिजिट जो है वहाँ पर रिपीट कर रहा है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये बार ना दिया हुआ हो और अगर ये लिखा हो एक्सप्रेस 0.575757, तो बात वही है, ठीक है। चलो स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग गिवन जो रिकरिंग डेसिमल नंबर है उसको हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट x इक्वल टू 0.57 बार, देन सेकेंड स्टेप इसे हम एक्सपैंड कर लेते हैं, x इक्वल टू 0.57 57 57 एंड ।, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर वन एज्यूम कर लेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग। तो हमने देखा यहाँ पर कि मेरा दो डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है, 5 7 दोनों बार बार रिपीट कर रहा है। तो अगर दो डिजिट रिपीट कर रहा है इसका मतलब इक्वेशन नंबर वन या कह सकते हो एक्स में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो डिजिट का मतलब 20, दैट इज 20, दैट इज 100। तो हमने ये कह सकते हैं दैट सिंस टू डिजिट्स आर रिपीटिंग, सो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई 100। इक्वेशन वन में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, 100 × x 100x। इधर भी अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो डेसिमल जो है दो डिजिट आगे मूव करेगा,
अगर जब भी हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट साइड मूव करता है, और कितने जीरोज हैं, दो जीरोज, तो डेसिमल कहाँ जाएगा, एक और एक दो, 57 के बाद जाकर वो बैठ जाएगा, दैट मीन 57.57 57 57 एंड सो ऑन, एज्यूम दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, दो डिजिट रिपीट किया तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया क्वेश्चन नंबर वन में, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 100x, और डेसिमल जो है दो डिजिट आगे मूव कर जाएगा, दैट इज 557.57557 57 57 57। ठीक है, ये तो रिपीट कर रहा है इनफिनाइट तक, तो इसमें कोई लेस और मोर नहीं होता है। अगर ये इनफिनाइट जा रहा है तो कितना है पता ही नहीं है, बट ये पता है कि 57 57 57 ही जा रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, वन को टू से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बनेगा, 100x - x, हाउ मच, 99x इक्वल टू, अब देखो पहले डेसिमल के पहले देखो 57 यहाँ पर जीरो है, 57 माइनस जीरो, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल पार्ट को माइनस कर रहे हैं, डेसिमल के पहले वाले पार्ट को बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट और बाद वाले को बोलते हैं डेसिमल पार्ट, तो 57 - 0 57 डेसिमल। अब देखो इसके राइट साइड में सारा 57 57 57 है, यहाँ पर भी 57 57 57 है, सेम है, माइनस करने पर 0 57.0, ये तो इजी है, सो x विल बी 57 डिवाइडेड बाय 99। एक बात और, रेशनल नंबर को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, पहले चेक कर लो क्या ये डिवाइड हो रहा है किसी से, तो आई थिंक हो रहा है 3 से, हाउ मच टाइम, 3 1 3 3 9 27 एंड सॉरी 33, हाउ मच, 19/33, एक्स की वैल्यू आ गई और एक्स हमारा क्या था, 0.57 bar, देयरफॉर 0.57 bar इक्वल टू 19/33। तो हमने इस रिकरिंग डेसिमल नंबर को p/q फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर लिया है, और अगर इसे डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो फिर से हमें यही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एक्सप्रेस 2.4178 बार जो लगा है वो 178 पर है, 4 बार नहीं है, 178 पर बार लगा है, और इसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू, क्यू मस्ट नॉट इक्वल टू 0। अब एक भी ध्यान दो कि यहाँ रिपीट तो कर रहा 3 डिजिट, तो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि डेसिमल के बाद लास्ट दो क्वेश्चन में डेसिमल के बाद सारा रिपीट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या बनेगा, 2.4 178 178 178, 4 रिपीट नहीं करेगा, लेकिन जो हमारा स्टेप है सॉल्व करने का वो सेम रहेगा। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एज्यूम करते हैं दैट लेट x इक्वल टू 2.4178 बार इज ऑन 178। ओके, अब इसे हम क्या करते हैं, हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, x इक्वल टू 2.4178 178 178। सो रिपीट कौन कर रहा है, रिपीट कर रहा है 178, 4, अब 4 एक ही था, तो एक बार लिख दिया, जो रिपीट कर रहा था उसने हमने रिपीट दिखा दिया, और लेट्स से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब कितने डिजिट, कॉन्सेप्ट वही है, डिजिट्स कितने रिपीट कर रहे हैं, 3 डिजिट्स, सो वी मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 बाई 1000, 3 डिजिट का मतलब 30, दैट इज 1000, या हम कह सकते हैं सिंस 3 डिजिट्स आर रिपीटिंग, सो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 1000। अब रिपीट कर रहा 3 डिजिट्स, तो मल्टीप्लाई होगा 1000, मल्टीप्लाई करते हैं 1000 × x, इट विल बिकम 1000x। ओके, नेक्स्ट, जब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 3 डिजिट राइट मूव करेगा, सो 1 2 3, 7 के बाद जाकर डेसिमल बैठ जाएगा, तो क्या बनेगा, 2 4 1 7 के बाद डेसिमल 8, बाकी सब वैसे उतरेगा, ऐसा नहीं कि रिपीट कर देना इसी को, इसके अकॉर्डिंग डेसिमल यहां पर आएगा, इसके बाद क्या बचेगा, 8 1 7 8 1 7 8, जो भी है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में ध्यान से डेसिमल मूव करके और जो जैसे है वैसे ही रहेगा।
ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट करते क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर वन को इक्वेशन नंबर टू से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहां पे वही करेंगे, व्हाट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, तो क्या बनेगा, 1000x माइनस एक्स हाउ मच, 999x। एंड राइट साइड ध्यान से, मैंने क्या बोला था, इंटीग्रल पार्ट को इंटीग्रल पार्ट से, 2417 माइनस टू कितना बचेगा, 2415, 2417 माइनस टू 2415 बचेगा। अब आते हैं डेसिमल पार्ट में, डेसिमल पार्ट में यहां देख रहे हैं कि हम लोग का सेम नहीं है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है 4 से, ये स्टार्ट हो रहा है 8 से, तो हम लोग वन बाई वन चलेंगे। पहला डिजिट 8 माइनस 4 हाउ मच 4। अब आगे बढ़ते हैं, 8 के बाद 178178 आ रहा है, और यहाँ 4 के बाद 178178, मतलब कि पहले डिजिट को सब्ट्रैक करने के बाद बाकी मेरा सब कुछ सेम हो गया, इसका मतलब बाकी सब कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या सिर्फ 8 माइनस 4 4, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो गया ना। तो अब यहाँ पर डेसिमल आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व जैसे करते वैसे करेंगे, क्या करेंगे, x इक्वल टू 2415.4 डिवाइड बाई 99 कर लेंगे। अब क्या होगा, अब सॉल्व करना हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में, पहले डेसिमल को हटाते हैं यहाँ से, क्या बनेगा, x इक्वल टू 2415.4, जब डेसिमल हटेगा नीचे क्या आएगा 10, बिकॉज डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो नीचे क्या आ जाएगा 9990। अब सबको एक चीज दिख रहा होगा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, बिकॉज ऊपर नीचे दोनों ही इवन नंबर है, और दोनों जो हमारा है वो अभी 2 से कैंसिल आउट होगा, तो चाहो तो इसको 2 से कैंसिल आउट कर लो, तो जब 2 से हम करें कैंसिल आउट, तो हमारा ये आएगा ऊपर में आएगा 12077, और नीचे आएगा हाउ मच 4995, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद, अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये किसकी वैल्यू है, x की, और x क्या था 2.4178 बार, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 2.4178 बार इक्वल टू 212077 बाई 4995, ठीक है। सब कुछ सेम था, कोई डिफरेंस नहीं था, जैसे था वैसे क्या, हमने बस डेसिमल के बाद पहला डिजिट को माइनस किया तो वो तो माइनस हो गया, उसके बाद बाकी सब 178 रिपीट कर रहा था, तो वो कट के जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 0.4, इसको लाके डिवाइड किया, पॉइंट रिमूव किया और सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारा एक्स की वैल्यू जो है वो पी बाई क्यू फॉर्म में आ गई। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन रहेगा, हम किसी भी रिकरिंग डेसिमल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं, सो इफ यू लाइक टुडेज लेक्चर प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर। सो फॉर टुडे थैंक यू।